अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिटवी वॉइस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, कुरुलस उस्मान की सीज़न नंबर 4 की पहली एपिसोड में देखा गया है कि उस्मान की फ़ौजियों की लड़ाई ग्लैडिएटर्स के साथ होगी, लेकिन इस वीडियो में हम ग्लैडिएटर्स की तारीख के बारे में बात करेंगे कि ग्लैडिएटर्स कौन हैं, वो क्यों लड़ते थे। आज की वीडियो इसलिए भी है कि ग्लैडिएटर्स को जब हम एपिसोड में देखें तो हमें एपिसोड को समझने में मदद मिल सके, तो इसलिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ग्लैडिएटर्स की तारीख का आपको मालूम हो। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, कदीम रोमन अम्पायर की तहजीब का असर आज भी मगरबी ममालिक पर है। इस तहजीब में खूबियाँ भी हैं, मगर इंटरटेनमेंट के लिए इंसानों की खूनी लड़ाई देखना इस दौर की तहजीब का हिस्सा था, जो आज के लोगों के लिए इस हकीकत को सुनना भी खौफनाक है। और शायद रोमन अम्पायर के ज़वाल की बड़ी वजह बेकसूर लोगों का खून बहाना भी हो सकता है, लेकिन इस ज़माने में ये दरिंदगी इस कदर मशहूर थी कि कोई भी इसके ख़िलाफ़ बात ना करता और मरने वाले ग्लैडिएटर्स की कब्रों के मुकब्रों पर बिना किसी शर्म के इनका पेशा लिखा जाता था। सबसे पहले हम ग्लैडिएटर्स के बारे में जानते हैं कि ग्लैडिएटर्स क्या है। तो ग्लैडिएटर्स का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ ग्लैडिएटर से निकला है, जिसका मतलब तलवार, और ये एक छोटी तलवार को कहा जाता था जिसे अडीना में इस्तेमाल किया जाता था। अडीना का मतलब है अखाड़ा, यानी वो मैदान जहाँ से लड़ाई करते थे। दूसरे नंबर पर हम बात करती हैं कि ग्लैडिएटर्स कौन थे। कदीम रोमन हिस्ट्री के मुताबिक सबसे पहले ग्लैडिएटर्स वो गुलाम थे जिनको सल्तनत के बड़े ओहदेदार के मरने के बाद आखिर तक लड़ाया जाता था। इस रोमियो ओहदेदार का नाम था जूनियस ब्रोट्स, और ये 246 कबल मसीह के दौर में था, जिनके मरने पर इनके रिश्तेदारों की तरफ से इसके एजाज़ में ये शो किया गया। रोमियो का अकीदा था कि इनके मरने के बाद इंसानी खून इनके बख्शिश का ज़रिया है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं ग्लैडिएटर्स इतने मशहूर क्यों हुए। नाज़रीन कराम, ग्लैडिएटर्स की ये लड़ाई रोमियो को इतनी पसंद आई कि जनाजों के बाद अमीर लोगों की तरफ से अपनी ताकत को दिखाने के लिए इसे शो करवाए जाते, और जितने ज़्यादा ग्लैडिएटर्स इस शो में हिस्सा लेते इतना ही ज़्यादा शो हिट होता। नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने पीछे बताया कि ग्लैडिएटर्स गुलाम हुआ करते थे, तो नाज़रीन कराम, अक्सर ग्लैडिएटर्स गुलाम हुआ करते थे जिनकी ट्रेनिंग के लिए शाही कोच रखे जाते और स्पेशल खुराक दी जाती और इनका बेहतरीन मेडिकल चेकअप भी किया जाता। मगर कुछ ऐसे रोमी शहनशाह भी गुजरे हैं जो तवाइफों और सजा याफ्ता मुजरमों को भी लड़वाते थे। लेकिन कुछ ग्लैडिएटर्स ऐसे भी होते जो गुलाम तो ना होते मगर अपनी मर्ज़ी से लड़ते। इनके लड़ने की वजह या तो इन पर भारी कर्जा हो सकता है या फिर अनाम में मिलने वाली रकम हो सकती है। जबकि कुछ ग्लैडिएटर्स अपने शहर या अपने ख़ानदान को इज्जत शोहरत दिलाने के लिए ऐसा करते थे, और अपनी ज़िंदगी से मायूस लोग भी हुआ करते थे। नंबर 5 पर कि क्या ग्लैडिएटर्स औरतें भी हुआ करती थी। हमें एक दो संगमरमर की पेंटिंग भी मिली है जिनमें दो औरतें हैं, एक का नाम अमेज़न और दूसरी का नाम अकीला था, और ये दोनों ग्लैडिएटर्स हैं। लेकिन 200 ईस्वी के आखिर में रोमन शहनशाह पेंशन महमर ने औरतों के लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। नंबर 6 पे कि क्या रूमी शहनशाह भी ग्लैडिएटर्स हुआ करते थे। आमतौर पर तो रूमी शहनशाह ग्लैडिएटर्स के मुकाबलों की मेज़बानी राया का दिल जीतने के लिए किया करते थे, लेकिन कुछ रोमी शहनशाहों ने अपनी राया का दिल जीतने के लिए भी ये लड़ाई लड़ी है।